हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे जो हमेशा न्यूज में होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि कूनो नेशनल पार्क, कंचीजंगा, फिर उसके बाद साइलेंट वैली, फ्लावर वैली नेशनल पार्क, या नाम मानस नेशनल पार्क, या फिर पन्ना नेशनल पार्क, जो भी होते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, या फिर जो कि बायोस्फीयर रिजर्व, हमेशा न्यूज में होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का कुछ जो मेजर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इस यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे देखने रहने को लिए। तो बहुत मतलब नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आप मोर देन 150 के आसपास होंगे, बट 15 से 20 ऐसे नेशनल पार्क होते हैं जिससे यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम उन्हीं को जो कि मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं अगर देखूं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मैं चलूँगा, ठीक है, जिसमें असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले स्टेट आएंगे। सबसे पहले अगर मैं चलूँ कैम्बुल लैमजो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ जाता है, ठीक है, मणिपुर में आप बोल सकते हो उसको, इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ती है। सबसे बड़ी इसकी जो फीचर्स है, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब एक लेक है, लोकट लेक, उसी में जो कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, पहली चीज। दूसरा अगर हम चले कांची कांजीरंगा, ये आपका असम में वन और राइनो के रूप में ये ज्यादा फेमस है इसको, ओके। ये नोकरेक नेशनल पार्क है जो आपका यहाँ पे पड़ता है मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय, ठीक है, और ये असम में पड़ता है आपका। और मानस नेशनल पार्क, ये भी जो है कि आपका कांजीरंगा में पड़ता है, लेकिन कांजीरंगा, कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में पड़ता है, कहाँ पे, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। इसके बाद अब हम आएंगे लगभग ओडिशा और जो है कि पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पहला देख लीजिए, दूसरा सिमलीपाल आपका लगभग झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में पड़ता है, भितरनिका, फिर उसका चिल्का, चिल्का जो है कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अब हम चलेंगे एकदम नॉर्दर्न पार्ट में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये तीन चार देखेंगे। फिर जम्मू कश्मीर में देखेंगे द चिंगम नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद कोल्ड डेजर्ट आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके बाद आप आएंगे रेणुका नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, कार्बेट, ये तीनों आपका उत्तराखंड में पड़ जाएंगे। इसके बाद है गोविंद सागर, हीरा कुंड, जो दोनों आपका पंजाब बेल्ट में, यूपीएससी ने हीरा कुंड के बारे में पूछा हुआ था, ये वेट लैंड भी है। फिर अब हम आते हैं राजस्थान में देखेंगे नेशनल पार्क, यहाँ पे सारिका, केवला देव घाना, रणथंबोर, जो कि तीनों आपके जो ये रिजर्व एरिया पड़ती है, ये राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद हम आएंगे गुजरात में, आप सभी को पता है गीर भी गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र रीजन में। इसके वाइल्ड एस के जो जंगली जो गधे बोलते हैं उनको, जो कि करण ऑफ कच्छ की एरिया में पाए जाते हैं। इसके बाद और अगर नीचे आए, नीचे आने से पहले हम एमपी को भी कवर कर लेंगे, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, पेंच, अमरकंटक, ठीक है, ये सारे जो है कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अब इंद्रावती की बात कर लेते हैं हम, उड़ीसा में भी कोलेरू लेक है आपका जो है कि आंध्र प्रदेश, पुलिकेट लेक है जो आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। इधर क्लियर, यहाँ पे हमने जो कि तीन चार चीजों को मार्क किया। इसके बाद महाराष्ट्र में आएंगे, संजय गांधी पड़ते हैं। अब हम आगे आते हैं एकदम साउथ इंडिया की तरफ आएंगे, देखेंगे साउथ इंडिया में अगर देखेंगे जो गल्फ ऑफ मन्नार है, उसमें मन्नार नेशनल पार्क, अभी इसको मराइन नेशनल पार्क बोलते हैं, फिर अगस्ता मलाई है, पेरियार है, अन्ना मलाई है, इसके बाद साइलेंट वैली केरला में पड़ती है, वायनाड आपका कर्नाटका, बांदीपुर जो कि कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका,
मदुरई मधुमलई आपका तमिलनाडु। ये जो है कि हमारे नेशनल पार्क कुछ जो फेमस थे हम उनको डिस्कस करने और मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने क्यों डिस्कस किया, हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, हम कभी एक और लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने नेशनल पार्क रिजर्व हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने जो कि टाइगर रिजर्व है, कितने एलिफेंट्स रिजर्व हैं, कितने जो कि वर्ल्ड हेरिटेज वाइल्ड लाइफ में जो कि लिस्टेड है यूनेस्को के, वो जो अपडेटेड लिस्टें आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे जब प्रीलियम्स पास में आ जाएगा तब। रिजल्ट क्लियर? तो ये हमने हल्का फुल्का मार्क करने की, बस एक बार और हम जो कि मेजर जो कि नेशनल पार्क हैं हम उनको मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो साइलेंट वैली है आपका एकदम साउथ इंडिया केरला में, केरला में। फिर कंचनजंगा है असम में, फिर उसके काजीरंगा है जो कि असम में पड़ता है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ जाता है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में पड़ जाती है, कार्बेट नंदा देवी ये जो कि पड़ा है। फिर क्या पेंच, हमेशा एक चीज और देखेंगे यहाँ पे जो है कि कुनो नेशनल पार्क काफी फेमस है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल सा जब डिस्कस किया, इसको और भी डिस्कस करें इन ब्रीफ में, बस इसी लेक्चर में इतना ही। और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।